हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट थॉट। आपके पर्सन के देखेंगे, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वीवर्स, उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके वीवर्स, सो लेट्स सी। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिस भी पार्टनर को लेके आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। मेरे वीवर, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या है मेरे वीवर्स के लिए, क्या चल रहा है इनके पार्टनर्स के मन में इनको लेके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन वीवर्स राइट ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेके इतना कुछ चल रहा है जो ये पर्सन खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और वीवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और दूसरा वीवर्स, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं समवेयर। मुझे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है कि इच्छाएँ बहुत सारी हैं, फीलिंग्स बहुत सारी हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। दूसरा आस्पेक्ट वीवर्स, मुझे नज़र आ रहा है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना आपको लेके, आपके पर्सन के मन में आपकी इमेज को लेके, आपसे रिलेटेड सारी बातों को लेके, वो जस्ट एक इनके थॉट ऑफ माइंड में, यानी कि फिज़िकल लेवल पे वो चीज़ें नहीं हैं अभी भी। यानी उनको फिज़िकली होना, उन चीज़ों का रियलिटी में बदलना कहीं ना कहीं बाकी है आपके पर्सन का। वीवर्स, आपको लेके मुझे एक माइंड सेट ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन वीवर्स कहीं ना कहीं आपको लुकआउट बहुत कर रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी का यही दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का आपको लेके एक बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और बहुत सारी बातें इस पर्सन के मन में हैं जो आपको लेके आपके पर्सन जानना चाहते हैं। मुझे राइट नाउ वीवर्स ऐसी भी एनर्जी गाइज मिल रही है यहाँ पे, जो दिखाती है कि आपके पर्सन आपको लेके इतने ज़्यादा इस समय कॉन्शियस हो गए हैं, जहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में डायरेक्टली अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, ये उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके मन में इनको लेके क्या फीलिंग्स हैं, आप इनको लेके क्या सोचते हैं, मतलब आपकी इमेजिनेशन में ये पर्सन किस तरह से हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी, इनको लेके आपके मन में जो फीलिंग्स हैं ना, चाहे वो लव को लेके हो, चाहे वो हेट को लेके हो, चाहे वो किसी बात को लेके हो, ये सारी चीज़ें वीवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे जानना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कहते हैं ना, अभी सिर्फ एक तरह से मैं इस पर्सन को कह सकती हूँ कि बहुत कुछ इस पर्सन के मन में है आपको लेके, जो आपके पर्सन आपको लेके यहाँ पे जानना चाहते हैं। और देखते हैं आपको वीवर्स राइट ना आपके पर्सन आपको मतलब एक आकर्षण की नज़र से देख रहे हैं, जैसे किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है ना, हाँ ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या है आपको लेके आपके पर्सन के मन में। राशि मेष सिंह, धनु राशि, कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पे अभी तक नज़र आती है। सेवन ऑफ कॉइन, वी हैव डेथ एंड दी जजमेंट, क्या बात है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ वीवर्स, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ में एक नई जर्नी यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। डेथ और जजमेंट आता है विद द सेवन ऑफ कॉइन्स। एनर्जी गाइज आपको एक तरह का मैसेज देती है आपके पर्सन की तरफ से कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे रिलेशन एंड होने के बाद में, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में गुजर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत कुछ इस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा है जो गुजरा है, चेंज हुआ है आपके पर्सन की, आपको लेके मेंटालिटी चेंज हुई है। राइट नाउ मैं इस पर्सन को देख रही हूँ वीवर्स कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। इवन दो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे बहुत स्ट्रांगली ब्रेकअप भी नज़र आता है, जबकि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को आपके साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप फील हो रहा है यहाँ पे जो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है,
ठीक है, जैसे कोई तो लेना देना है जिसको भुलाए से भुला नहीं जा सकता, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे मुझे आप लोगों का फील होता हुआ नज़र आ रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइफ, पास्ट लाइफ के साथ में भी, ठीक है। एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में होना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट एंड डेथ आना विद एक तरह की ड्रीमी एनर्जी के साथ में, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ में फिर से बन सके। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको कोई बहुत जल्दी हो सकता कॉल मैसेज करने वाले हों, बहुत जल्दी किसी के थ्रू आपको मैसेज भेज सकते हैं या खुद भी आपको ही कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि करंट एनर्जी तो व्यूअर्स यही दिखा रही है कि इनके मन में आपको लेके बहुत स्ट्रांगली इस समय राइट नाउ फीलिंग है, ठीक है। बहुत इमोशनल अट्रैक्शन है समवेयर मुझे यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ साथ एक सोलमेट कनेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक सोलमेट कनेक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो रीबर्थ की एनर्जी वीवर्स यहाँ पे आपके कनेक्शन के अंदर, एक पुनर्मिलन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना वीवर, सेवन ऑफ कप सेवन ऑफ कॉइंस एक तरह का इंडिकेशन दे रही है कि आपके पर्सन आपको लेके इतने ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपके ख्वाब बुनने लगे हैं आपसे मिलने के, आपके साथ में होने के, आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करने के, आपको पाने के। ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, तो आपके लिए व्यूअर्स एक तरह से मैं देखूँ तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है। इस पर्सन से आपका मिलना यहाँ पे मुझे बहुत हद तक पॉसिबल नज़र आ रहा है। जिन लोगों से भी रीडिंग क्लेम करेगी, मतलब रेजोनेट करेगी, तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ ये विद इन 7 आवर्स हो सकता है या 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस 7 घंटे या 7 दिन के अंदर अंदर व्यूअर्स आप लोगों का मुझे यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ ये है, तो 7 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से, यानी एक तरह से मैं देखूँ तो एक न्यू लाइफ आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इस पर्सन के साथ में। बहुत धमाकेदार एंट्री रहेगी, ठीक है, बहुत खुश हो जाएंगे आप लोग। हाँ जी, यही एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। चलो और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या है आपको लेके। मून, नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। तो व्यूअर जैसे मैंने बोला आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आज आपके पर्सन आपको लेके ड्रीम भी करने वाले हैं। आप इनके ड्रीम में भी आ सकते हो या आपके ड्रीम में आ सकते हैं। हाँ ये देखो, ये ऑटोमेटिकली होगा, जब भी होगा आपके साथ में ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। दूसरा आस्पेक्ट ये, आप लोगों की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखती है वो ये दिखाती है व्यूअर्स कि आप अपने काम पे बस फोकस करो। सबसे पहले आपको मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जितना इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाना था ना, जितने आपने करना था आप कर चुके हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट लिसन दी वॉइस ऑफ यूनिवर्स। आपके लिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ये एनर्जी गाइस आपको ये दिखा रही है, जस्ट लिसन, आपको खुद से सिग्नल मिलेंगे कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है। जिन जिन लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ रहा है ना, मतलब आपका पर्सन आ रहा है। हाँ देखो, ये रीडिंग तो हम लेट नाइट थॉट को लेके ही कर रहे हैं, वो बात सही है आपकी, लेकिन एनर्जी गाइस ये दिखाई दे रही है कि आपको एक मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरह आपके लिए आया है, जो दिखाता है जस्ट लिसन, ठीक है। शांत हो जाएं, लिसन करें, अपने काम पर फोकस करें, और आपको खुद से वाइब्रेशन मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, उसे कैच करने की कोशिश करें, फील करें, अंदर से आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको कोई और फील नहीं कराएगा। मैं भी फील नहीं करा सकती वो वाली बात, तो अंदर से जैसे कहते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाना, वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है, ठीक है। और दूसरा, ये जो पर्सन व्यूअर्स मुझे आपको लेके नज़र आ रहा है कि एफर्ट्स में आ रहे हैं, इनको ये जो राइट नाउ ये प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन कि
इनको आपके इस कनेक्शन में अब क्या क्या करना है, ठीक है, आपके साथ में मतलब किस तरह से जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या बात करनी है, क्या एफर्ट्स लगाने हैं, किसके थ्रू एंट्री लेनी है, ये सारी चीज़ें मुझे राइट ना आपके पर्सन यहाँ पे मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है व्यूवर्स आज रात, और देखते हैं क्या है इस पर्सन के मन में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो इनको लेके और क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। लो भाई, सिक्स ऑफ कप्स, पुनर्मिलन यही है व्यूवर्स, और कुछ नहीं है। मुझे तो आज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यही पहली बार में मिल गया, जो दिखा रहा है कि भाई ये पर्सन आपके साथ में रियूनियन, पैचअप, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन, रिलेशनशिप कैसा होगा, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, मतलब एक इमेजिनेशन, एक फीलिंग, ये फीलिंग मैं व्यूवर्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये आप खुद ही फील करोगे, क्योंकि अगर बॉटम से देखोगे ना, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखाती है इस पर्सन को आप ही का साथ चाहिए, और कहीं ना कहीं ये इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि बस कैसे आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो या फिर इनके साथ में जुड़ जाओ, ठीक है। और जो भी इनकी अगर कुछ गलतियाँ नहीं हैं, ठीक है, तो ये उनको रेक्टिफाई कर ले, आपको फील करा दे अपना प्यार, ठीक है, अपनी गलतियों का जो बर्डन है वो रिलीज़ कर दें, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएं, आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्किंग एनर्जी ही देख रही हूँ, यहाँ पे भी वही दिख रही है, यहाँ पे भी वही दिख रही है। तो समवेयर आपके पर्सन यहाँ पे मुझे एफर्ट्स में ही नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, जजमेंट भी, जस्टिस भी, डेथ भी, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो व्यूवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि होना ही तय है आप लोगों का रियूनियन, ठीक है, विद इन 7 डेज वेट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों का भी रियूनियन होना होगा ना 7 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूवर्स मैं आज आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी ले लेती हूँ यहाँ से, ओके। रीडिंग तो व्यूवर्स क्लियर है, रियूनियन को लेके ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर्सन के मन में, मतलब यही है कि आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट होना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आपको कन्वेंस करना है, यही सब चीज़ें इस पर्सन के राइट नाउ माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी जस्ट इस पर्सन को आप देख सकते हैं मे बी कुछ स्वीट सॉन्ग लगाते हुए, मे बी आपके लिए, ठीक है, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, कोई मेमोरी पुरानी पास्ट की हो सकता है, आप वो देखें इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे, ये भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको सिग्नल सिम्टम खुद ही यूनिवर्स देंगे कि हाँ भाई आपका रियूनियन होना है, तो आप मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। अंदर से फील होगा पीस ऑफ माइंड, अंदर से, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के चैनल मैसेज। I can't share you with someone else. ये आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते, यानी किसी और के साथ में देख नहीं सकते, इनको सिर्फ आप चाहिए, ऑब्सेशन है आपको लेके, ठीक है, ज़िद भी हो आप इनकी, चाहत भी हो आप इनकी, सब कुछ हो आप इनके लिए, जुनून भी आप इनके लिए हो इस वक्त। तो जैसे कहते हैं ना कि एक हक जमाने वाली एनर्जी, यार ये पर्सन तो सिर्फ मेरा है, ये किसी और के साथ में मैं इसे शेयर नहीं कर सकती या शेयर नहीं कर सकता, इस तरह की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, जैसे पजेस हो जाना ना, हाँ वही वाली एनर्जी है। ये रिग्रेट फील कर रहे हैं जब आपको इन्होंने छोड़ा, तो इसीलिए पुनर्मिलन की एनर्जी आ रही है ना, कोई नया पर्सन नहीं है ये पुनर्मिलन की एनर्जी इसीलिए है क्योंकि भाई रिलेशनशिप एंड हुआ था, ब्रेकअप हुआ, ये गए आपकी लाइफ से लेकिन नहीं रह पाए आपके बिना, अब आ रहे हैं वापस लौट के, ठीक है। ये आपके पेन का कारण बने हैं, ये जानते हैं इस बात को, ठीक है, इनकी वजह से आपको काफ़ी दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, तो ये इस चीज़ को भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, जैसे कहते हैं ना एक पजेशन वाली एनर्जी आ गई है, ऑब्सेशन हो रहा है, तो इनको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो तो और मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि अगर किसी को लेके इतनी चाहत बढ़ जाए तो झटपट झटपट इंसान काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टाइम ड्यूरेशन भी आया बहुत जल्दी का आया, देर का नहीं आया, ठीक है। और बॉटम से है आपके लिए, आई विश आई हैड ट्रीट यू बेटर, काश मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता, तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करती, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता। तो बहुत अच्छी एनर्जी व्यूवर्स, इसे क्लेम करें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा, रियूनियन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जिन जिन लोगों का भी हो जाए सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट, यूनिवर्स आपकी मदद करे, आपका रियूनियन जल्दी हो जाए और परमानेंट हो जाए, ठीक है। तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए, सो बाय, टेक केयर योर सेल्फ,
ओके, गुड नाइट।